नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया और कई प्रदेश के राज्यपाल इधर से उधर नियुक्त किए थे। इनमें उत्तर प्रदेश के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया था, जहां राम नाइक रिटायर्ड हो गए थे। इस वजह से सरकार ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का ट्रांसफ़र यूपी में कर दिया। उन्हें यूपी के राज्यपाल के शपथ लेते ही आनंदीबेन पटेल एक्शन में आ गई और उन्होंने एक बड़ा आदेश दे दिया। गुजरात के कद्दावर भाजपा नेता रही आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वो पीएम मोदी के करीबी नेताओं में से एक थी। मोदी ने गुजरात सीएम का पद छोड़ने के बाद आनंदीबेन पटेल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उन्होंने सोमवार को यूपी के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया और पद की गोपनीयता की शपथ ली। इस दौर पर पूर्व राज्यपाल राम नाइक भी वहाँ मौजूद थे। इससे पहले वो मध्य प्रदेश में राज्यपाल का पद संभाल रही थी। अब उनकी जगह लालजी टंडन को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की शपथ लेते ही आनंदीबेन पटेल एक्शन में नजर आई। उन्होंने पहला बड़ा आदेश जारी कर दिया है, जिसमें लोगों से काफ़ी खुशी का माहौल है। आनंदीबेन पटेल ने बड़ा आदेश देते हुए आम जनता के लिए राजभवन के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि हफ्ते में दो दिन मंगलवार और गुरुवार को जनता के लिए राजभवन खोल दिया जाए। उनके आदेश के बाद मंगल और गुरुवार को शाम 4 बजे से 6 बजे तक राजभवन आम लोगों के लिए खुला रहेगा, जिसमें वह अपनी परेशानियों की बात सीधा राज्यपाल से कर सकेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आनंदीबेन पटेल यूपी में कुछ बदलाव ला सकती हैं नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।